बड़े से बड़े विपत्तियों और संघर्षों को हमने सहा है, परंतु ध्यान दीजिएगा, परिवर्तन के लिए एक पल भी काफ़ी होता है। और इसी बात को समझते हुए आज हम समझने वाले हैं मंगल देवता को। ये मंगल देव आपके धन भाव पर गोचर बसाए हुए हैं। इनका प्रभाव ये होगा कि ये मंगल देवता सदैव के लिए आपके साहस, आपके पराक्रम भाव के मालिक बनते हैं। और जब ये अष्टम भाव के मालिक होकर के धन भाव पर आते हैं तो कैसे आर्थिक परिप्रेक्ष्य से एक बेहतर परिणाम ला पाएंगे, इसे हम समझने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी समझने वाले हैं कि सूर्य शनि के, शुक्र और शनि के द्वारा जो सम सप्तक योग बनने वाला है या अभी जो बना हुआ है, ये कैसे आपके जीवन को अच्छाई की ओर ले जाएगा, कैसे आपके बाधाओं से आपको मुक्ति दिलाएगा, इस बात को भी हम समझने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक 3 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक मंगल देवता आपके पराक्रम के मालिक आपके धन भाव पर जाएंगे। माना जाता है ये मंगल जो जिसके राशि पर जा रहे हैं वो शुक्र की राशि है, और शुक्र देवता मतलब ये तुला जो राशि है जहाँ पर ये गए हुए हैं वो वायु तत्व के की राशि मानी गई है, और मंगल देवता हमारे अग्नि तत्व के ग्रह हैं। एक प्रकार से आप ये समझिए कि यदि आपको आग जलाना है, कहीं अग्नि प्रज्वलित करना हो तो क्या चाहिए, हमें वायु की आवश्यकता होती है और तब जा करके वो अग्नि प्रज्वलित होती है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आग के स्वामी मंगल देवता को वायु तत्व के ग्रह जो शुक्र की राशि है उसका एक साथ मिल गया। योग कहाँ पर बना है, ये योग बना है आपके धन पर, और पराक्रम के मालिक हैं। इस टाइम पर सबसे ज़्यादा जो आपके साहस होंगे, आपके पराक्रम होंगे, आपकी जो इस समय पर सबसे ज़्यादा जो क्षमता लगने वाली है वो कैसे मेरे धन की अभिवृद्धि हो, क्योंकि धन भाव पर ही मंगल देवता है। धन के लिए आप सबसे ज़्यादा इस टाइम पर एनर्जिक रहेंगे। साथ ही साथ यही वो स्थान हो गया जो आपके कौटुंबिक जीवन को प्रदर्शित करता है। कुटुंब में भी इस कारण पर आपकी एनर्जी लगेगी। यदि आप अधिक समय किसी कारणवश घर परिवार पर नहीं दे पा रहे हैं तो ये समझिए मंगल देवता की एनर्जी आपके घर परिवार पर लगेगी। अपने कुटुंब के लिए कुछ बेहतर प्रयास कर पाएंगे। हम तो अपने जीवन में अपने लिए बहुत कुछ करते हैं, भगवान ने हमें सुख दिया या दुख दिया, लेकिन जब हम अपने कुटुंब के लिए, अपने परिवार के लिए, किसी अन्य के लिए हम कोई अच्छा सहयोग कर पाते हैं तब वही हमारा जीवन ही श्रेष्ठ माना गया है। और इसी बात को समझते हुए आप ये समझिए मंगल देवता ने एक अच्छा संचार जीवन में रखा है। अब यही नहीं, मंगल देवता जब द्वितीय भाव पर जाते हैं तो ये वाणी का भाव भी होता है, हमारी बोलचाल की क्षमता होती है। हालांकि इस समय पर वाणी, हमारी स्वयं की वाणी कुछ एग्रेसिव हो सकती है, क्योंकि मंगल देवता क्रोध के भी प्रतीकात्मक ग्रह माने गए हैं, इसलिए वाणी पर कुछ नियंत्रण रखते हुए दूसरों के साथ आपको तालमेल बनाकर के इस समय पर चलना होगा, जिससे यदि आपको धन लाभ चाहिए तो, क्योंकि धन भाव पर मंगल बैठे हुए हैं इसलिए आपके वाणी पर भी हमको संयम रखने की आवश्यकता पड़ेगी। अब होगा क्या, इसी बीच में इस मंगल देवता के पास 3 दृष्टियां हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो ये जहाँ पर विद्यमान है उस स्थान से 4थे भाव को, 7थे भाव को और 8थे भाव को अपनी दृष्टियों से उस भाव को भी प्रभावित करेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 मंगल देवता की जो 4th दृष्टि है वो आपके 5थ भाव पर होगी, और जिस भाव पर दृष्टि पड़ेगी वो उनकी उच्च की राशि है जो कि शनि का घर है। अर्थात प्रभाव कहाँ आ गया, आपकी बुद्धिमत्ता में आ गया, आपके निर्णय क्षमता में आ गया। इस समय पर अपने कुटुंब परिवार और धन को लेकर के आपके कोई निर्णय बहुत बेहतर हो सकते हैं, ये बात को आप समझिए, इस बात को जानिए। 5थ भाव उन्हीं सभी बातों को रिप्रेजेंट करता है। यदि आपका किसी कारण से कहीं धन लगा हुआ है, यदि आप इन्वेस्ट किए हुए हैं, शेयर मार्केट में लगाए हुए हैं, या फिर किसी भी माध्यम से आप धन के जो शॉर्टकट तरीका हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे सोर्स जहां से धन की वृद्धि बहुत जल्दी हो, वहां पर आपके पैसे यदि लगे हुए हैं सकारात्मकता मिल सकती है, या स्वयं भी आप इस समय पर मिल करके कुछ धन को प्रोग्रेस कराने का कोई एक अच्छा विकल्प ढूंढ पाएंगे, क्योंकि 5थ भाव हमारी बुद्धिमत्ता, हमारा विवेक, हमारी क्षमता, हमारी प्रज्ञा को प्रदर्शित करता है। सिर्फ यही नहीं, मंगल के पास जो दृष्टि है इसके हिसाब से ये आपके 8थ भाव को भी देखेंगे जो कि इनके स्वयं का घर है। अष्टमेश बनते हैं आपके लिए, कन्या राशि के लिए, कन्या लग्न के लिए आपके अष्टमाधिपति बनते हैं। माना कि मंगल देवता कहीं ना कहीं आपके लिए ये 8थ भाव पर दृष्टि देकर के रुकावटों को प्रदर्शित करेंगे, परंतु भूलना नहीं है धन भाव से ये देख रहे हैं,
मतलब कि कहीं पर रुका हुआ पैसा है उसे भी रिकवरी कराने का यहाँ पर भरकस प्रयास होगा। साथ ही साथ इस समय पर कोई बहुत बड़ा धन निवेश इत्यादि या कोई बहुत बड़ा कहीं पर किसी को धन देना, देखिए ज़रूरतमंद की सहायता करना अच्छी बात है, परंतु सोच समझकर इस समय पर अपने धन को कहीं पर आपको लगाना होगा, क्योंकि इनकी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, इसे भी समझें। लेकिन अब जो अग्नि दृष्टि है वो भाग्य की प्रबलता है। कैसे प्रबलता है? इनकी जो अष्टम दृष्टि है वो आपके नवम भाव पर पड़ रही है। नवम भाव तो भाई हमारी जागृति है, हमारे भाग्य की जागृति है। और जब मंगल धन भाव से देख रहे हैं, इसका मतलब धन और भाग्य का एक समावेश मिल जाना, मतलब हमने अपने प्रयासों से जो कुछ भी विकल्प पाया अपने जीवन में धन प्राप्ति के लिए या कौटुंबिक वातावरण को अच्छा बनाने के लिए, उसमें हमें भाग्य का सहारा मिल जाना। ध्यान रखिएगा, कर्तव्य हमारे होते हैं, परंतु जब तक भाग्य का समावेश उस पर नहीं हो जाता, तब तक हमारे कार्य भी किसी न किसी कारण से बाधित होते रहते हैं। भाग्य का सीधा सीधा संबंध हमारे परमात्मा से होता है, और शायद इसी कारण से मंगल की अष्टम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर भी पड़ रही है, मतलब ऊपर वाले की कृपा, और साथ में आपकी भाग्योन्नति का भी एक दौर आपको इसी दरमियान पर 16 नवम्बर तक का यह समय रहेगा देखने को मिल सकता है। अब उस पॉइंट को समझने वाले हैं जो हमारा दूसरा पॉइंट है, सम सप्तक योग। वास्तव में देखा जाए तो सम सप्तक योग उस योग को कहा जाता है जब शुक्र और शनि एक दूसरे से आमने सामने पर विद्यमान होते हैं। एक दूसरे से 180 अंश के अंतराल पर ये जब ग्रह होते हैं तो उस स्थिति को माना जाता है सम सप्तक योग। सम का अर्थक होता है समानता, और सप्तक का योग मतलब होता है एक दूसरे से सामने सप्तम भाव पर। गिना जाए तो शुक्र आपके 12वें घर पर हैं और शनिदेव 17 जनवरी 2023 से आपके 6ठे भाव पर चल रहे हैं। तो शुक्र से गिनना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 शुक्र की दृष्टि शनि देवता पर पड़ी, और शनि की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनकी सप्तम दृष्टि शुक्रदेव महाराज के पास पहुंची। अब ये समझिए, कन्या लगन के लिए, कन्या राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं हमारे शुक्राचार्य जी महाराज, और उतने ही प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं हमारे शनिदेव महाराज, क्योंकि आपके जो राशि के स्वामी हैं बुधदेव, इनके ये मित्र हैं। अब मित्रों का सम सप्तक योग कहाँ कहाँ प्रभाव देगा? 12वें घर पर शुक्र जी महाराज बैठे हैं और 6ठे भाव पर शनिदेव। तो यदि आप ये समझते हैं कि मुझे कोई धन से संबंधित कोई कार्य करना है, कोई निवेश करना है, तो हाँ, शुक्र देवता स्वयं निवेश के कारक माने गए हैं। धन खर्च अधिक अलग हो गया, परंतु निवेश अलग हो गया। ध्यान दीजिएगा, निवेश के दृष्टिकोण से ये टाइम पीरियड अनुकूल होगा। कैसे मैं अपनी धन की वृद्धि करा पाऊँ, मैं उसमें क्या कर पाऊँ, इस पर आपको साहस रखने की आवश्यकता है, और यहाँ पर धन की प्राप्ति भी संभावित होती है। चूँकि 12वें घर का संबंध सीधा सीधा हमारे विदेशों से होता है, तो जो लोग विदेश में हैं या विदेश से संबंधित आपका काम है, या वहाँ से किसी कारण से आप ऑनलाइन भी काम करते हैं, तो ये मानिए शुक्र देवता आपके विदेश भाव पर ही हैं। वहाँ से शुक्र का संबंध धन से है भाई, तो धन का आगमन वहाँ से कराएंगे ना। निवेश और विदेश, इन दोनों ही दृष्टिकोण से ये टाइम पीरियड आपके लिए अनुकूल होगा, क्योंकि शुक्र देवता आपके द्वादश भाव पर बैठे हैं। अब शनि देवता 6ठे भाव पर हैं, अब इनका भी संबंध बन रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, 6ठे भाव पर शनि जहाँ पर बैठे हैं वो स्थान हमारे रोग, ऋण और शत्रुओं का है। तो यहाँ पर दोनों ही आपके योग कारक ग्रह हैं, इससे पॉजिटिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। शुक्र का साथ मिल जाएगा शनि को, रोग से, हमारे कर्जों से, हमारे शत्रुओं से, कोर्ट कचहरी संबंधी कार्यों से। इन सभी कार्यों में यदि हमारा मन व्यथित है, यदि हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो कोई सामने से आकर के आपको सहयोग कर जाएगा। ये आप समझना है, आप ये जानना है। शनि जहाँ पर बैठे हैं वो मेहनत के कारक हैं, इसलिए आपको तो मेहनत करना ही पड़ेगा भाई। और माना जाता है जिसका मेहनत जितना बड़ा होता है, उसके जीवन में सफलता भी उतनी ही बड़ी उसे प्राप्त होती है। इन दोनों ही बात को समझते हुए शुक्र और शनि का जो सम सप्तक योग है, ये आपके लिए सफलता कारक है। अब यदि कारक तत्वों की बात की जाए, तो शुक्र कौन है? हमारे धन के कारक हैं। शनि कौन है? तो हमारे कर्म के कारक हैं। एक प्रकार से हमें धन के कारक और शुक्र के कारक दोनों का समावेश मिल गया, मतलब हमारे कर्म से ही हमें धन की प्राप्ति होगी, ये बात निश्चित हो गया। अब जो लोग नौकरी में हैं,
नौकरी में है तो छठे भाव हमारे नौकरी को प्रदर्शित करता है। हाँ, इस समय पर वो अपना परिवर्तन करना चाहते हैं, नौकरी में अनुकूल समय है। विदेश में आप नौकरी करना चाहते हैं, अनुकूल समय है। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में कोई नया अपना मेंबर जोड़ना चाहते हैं, अनुकूल समय है। क्यों? क्योंकि शनि देवता और शुक्र का आपस में दृष्टि संबंध हो गया। शुक्र एक ऐश्वर्य है, शुक्र एक प्रेम है, शनि हमारा कर्तव्य है, शनि हमारे कर्म क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इसलिए किसी अन्य के द्वारा भी आपको इस समय पर सहयोग की संभावना मिल सकती है। जो आपके कार्य क्षेत्र हैं वहां पर किसी नए मेंबर की बढ़ोतरी भी इस समय पर हो सकती है, जिनका आगमन ही शायद आपके जीवन को बेहतर परिणाम की ओर अग्रसित कर सकता है। ओवरऑल देखा जाए सम सप्तक योग का प्रभाव बेहतर है। मंगल देवता आपके धन भाव पर हैं, धन की स्थिति महत्वपूर्ण होने वाली है। हाँ, आपको सोच समझ कर इस समय पर कुछ खर्च करने की आवश्यकता जरूर रहेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से समय आप अनुकूलता की ओर मान सकते हैं। स्वास्थ्य भाव पर ही तो शुक्र शनि का सम सप्तक योग बन रहा है। कुल मिलाकर के इसका एक बेहतरीन प्रयास, एक बेहतरीन परिणाम आपके जीवन पर लक्षित हो सकता है। आप ये जानिए, आप ये समझिए। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।